हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल माय गर्लफ्रेंड इज डेवल के एपिसोड नंबर 12 के साथ हाजिर हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो होंगी होती है कमरे की सफाई कर रही होती है और लिंग आराम से बैठकर अपना मोबाइल चला रहा होता है और मोबाइल में देखकर बोलता है, मुझे इसे देखकर तो ऐसा लगता है जो हमारी मेंटोर और बाकी के टीचर है उन्होंने अंडरग्राउंड में उसकी बॉडी को नहीं ढूंढा है जो मुझे मारने के लिए आया था। देखकर ऐसा लगता है जो मॉन्स्टर थे उन्होंने उसकी बॉडी को वहीं कच्चा चबा लिया। और मोबाइल में देखते बोलता है, ये तो फैटी का मैसेज है और जो फैटी होता है उसने मैसेज में लिखा हुआ होता है, जबकि जो स्पिरिचुअल स्प्रिंग है वहाँ पर ऐसा एक्सीडेंट हो चुका है जबकि टेम्परेली अब वो बंद हो चुका है और हमने ट्रेनिंग नहीं कर पाई थी, इसी कारण हमें दूसरा मौका दिया जा रहा है अलग तरीके का और हम उसके लिए सोल जेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें अकेडमी की तरफ से सोल जेट चुनने का मौका दिया जा रहा है। अभी जो लेन होता है वो मन में मतलब उससे पूछता है आखिरकार ये सोल जेट क्या है। अभी जो होंगे होती है वो लिन से कहती है, सोल जेट मॉन्स्टर और गोस्ट का एनर्जी कोर होता है जिस जो वो स्ट्रॉन्ग ऑरा के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जब कोई मॉन्स्टर मारा जाता है तो उसके अंदर से एक जेट निकलता है जो उसमें जिसमें उसकी सोल होती है और उसका लेवल उसी हिसाब से होता है जिस मॉन्स्टर का कल्टीवेशन होता है। और जो साइकिक होते हैं जो पावरफुल लोग होते हैं वो सेल जोड़ को डायरेक्ट मतलब अपने तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपनी पावर को बढ़ा लेते हैं और उस स्टोन में जो ऑरा होता है उसे यूज़ करने का एक्सेस ले लेते हैं और उन्हें उसके आधार पर कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। तभी जो लिन होता है वो होंगे से कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं इस सोल जेट को ज़रूर लूँगा। तभी जो लिन होता है वो होंगे से बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास भी सोल जेड होगा मतलब सोल टूल होगा, चलो मुझे देखने दो, मुझे फील करने दो। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो लिन होता है वो होंगे से कहता है, वैसे ये सब छोड़ो पहले मुझे ये बताओ कि हम लोग अपनी शादी कब करने वाले हैं। तभी जो होंगे होती है वो उससे बोलती है, इस मैटर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो येलो स्प्रिट होती है वो उसको उन दोनों को देखने के बाद बोलती है, कमीन ये बेवकूफ़ लोग रोज अपना लव इन लोगों का लव देखना बहुत ज़्यादा परेशानी भरा होता है। तुम क्या सच में सोचते हो कि मैं कोई डॉग हूँ और तो और मुझे डॉग फूड खिलाते हो रोज के रोज। तभी जो लिन होता है वो बोलता है, हनी हम लोग चलो बाहर घूमने चलते हैं, जिसे देखकर जो इस येलो स्प्रिट है वो थोड़ी सरप्राइज होती है। तभी जो होंगे होती है वो उस येलो स्प्रिट के पास आकर बोलती है, आज तुम्हें अच्छा खाने को मिलेगा, जिसे देखकर जो येलो स्प्रिट है वो ज़्यादा सरप्राइज होती है और बोलती है, अब मुझे क्या करना चाहिए। लिन मुझे न्यू ईयर का गिफ्ट दे रहा है मतलब ग्रीटिंग दे रहा है, कोई अच्छे इंटेंशन नहीं लग रहा है मुझे तो इसके देखकर, इसके इरादे कुछ ठीक नहीं है। तभी जो लिन होता है वो येलो स्प्रिट से बोलता है, अगर तुमने मुझे याद नहीं दिलाया होता और मुझे नहीं बताया होता येंके और इसके ग्रैंडफादर के बारे में तो मैं आज मारा गया होता, इस समय मैं तुमसे शुक्रिया कहना चाहता हूँ। तभी जो येलो स्प्रिट है वो बोलती है, अब तुम्हें समझ में आया मैं कितनी ज़्यादा अच्छी हूँ, फिर तुम मेरा अच्छा इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तभी उसके बैक में पेन होने लगता है और वो लिन होंगे से बोलता है, आज मेरे पता नहीं क्यों बैक में बहुत ज़्यादा दुख रहा है, और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जो होंगे होते वो बोलती है, मैं आज तुम्हारे वहाँ पर दबा दूंगी जब हम घर पर वापस आएंगे आज रात को, और उसे इग्नोर करने लगते हैं। और जो येलो स्प्रिट है बोलती है, क्या तुम लोग मुझे इग्नोर कर रहे हो। और तभी मन में सोचते बोलती है, खैर वो तो खैर सब ठीक है लेकिन ये लिन वाकई में बहुत ज़्यादा बाकी और लोगों से बहुत ज़्यादा अलग है। जो यांग वांग था उसने मुझे पकड़ लिया था, जो यांग वांग है उसने मुझे पकड़ लिया था और मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल करता था और मुझे ज़बरदस्ती अपने सारे काम करवाया करता था, लेकिन इस लिन को देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता, ये पूरी तरीके से अलग है उन लोगों से, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है उनसे। और मन में फिर चिल्लाते हुए बोलती है, रुको 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 ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे अपने एनिमी के ऊपर क्रश कैसे हो सकता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कोई फाइल पकड़ते हुए मतलब पटकते हुए बोलता है, ये सॉल्व कैसे हो नहीं सकता, बार बार मेरा मिशन फेल हो रहा है उस लिंक को मतलब लिंक को मारने का, हम लोग बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह दिख रहे हैं और उस एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तभी जो यांग ये होता है वो अपने ग्रैंडपा के पास आते आकर बोलता है, ग्रैंडपा कुछ पावरफुल लोगों को भेजिए फिर से उस लिंक को मारने के लिए। तभी उसका ग्रैंडपा उससे कहता है, तुम अभी भी बहुत ज़्यादा यंग हो, तुम अभी ये सब नहीं समझ सकोगे, या तुम्हें इंतजार करना चाहिए, हमारे जल्दी ही हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलने मिलेगी, एक अच्छा मौका मिलेगा तब हम उसे मार देंगे। तभी हमें नून ट्रेजर हाउस का सीन दिखाया जाता है और कोई बोलता है, हम लोग इस ट्रेजर हाउस में आ गए हैं, यहाँ पर हम सोल जेट कलेक्ट कर सकते हैं। और वो बताते हैं कि ये इस सोल जेट हाउस के केयर टेकर हैं और ऐसे हम सब लोग इसे एल्डर कैंग कहकर बुलाते हैं। जो लिन होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है,
क्या ये एल्डर कहेंगे, देखने में तो ऐसा नहीं लगता। तभी जो फैटी होता है वो बोलता है अपना व्यवहार सही करो। तभी जो एल्डर होते हैं वो जग जाते हैं और वो उसकी तरफ देखते बोलता है यहाँ पर क्या चल रहा है, ये एल्डर तो मेरी तरफ ही देखे जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है मुझे अंदर से कि मेरी स्पाइन में बहुत ज़्यादा दुख रहा है, यहाँ पर ऑरा सप्रेस्ड की फीलिंग आ रही है मेरे को। तभी जो एल्डर होते हैं बोलते हैं सभी को एक साथ होना चाहिए, चलो मुझे फॉलो करो। तभी जो लिन होता है मन में सोचते हैं बोलता है ये इस देख कर तो ऐसा लगता है मैं कुछ गलती कर रहा था। तभी जो एल्डर होते हैं बोलते हैं ये वह जगह है जहाँ पर तुम्हें सोल्जर मिलेंगे। तभी जो फैटी होता है वो लिन से कहता है कि ये बॉक्सेस के अंदर सोल्जर रखा हुआ है और जो इनका टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, इन्हें तोड़कर निकालना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। ये चीज़ इसलिए है ताकि वह लोग सभी लोगों की स्ट्रेंथ का पता लगा सके। मैंने एक बार इसे ओपन किया और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तभी जो लिन होता है वो बोलता है चलो ओपन करते हैं इनको, सारे के सारे बॉक्सेस इधर हैं, चलो देखते हैं इन्हें कैसे ओपन किया जाए। तभी जो लिन होता है वो फैटी से बोलता है तुम्हारे पास कोई अच्छा तरीका है इस इन बॉक्सेस को ओपन करने का। तभी जो फैटी होता है वो लिन से कहता है क्यों ना हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, और सभी के सभी लोग उन बॉक्सेस को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। गुस्सा दिखा रहे होते हैं लेकिन वो तोड़ नहीं पा रहे होते हैं और जो लोग होते हैं बोलते हैं वाकई में बहुत ज़्यादा हार्ड है इस बॉक्सेस को तोड़ना और सोल्जर को निकालना। तभी जो फैटी होता उसे एक सोल्जर मिल जाता है और बोलता है आखिरकार इस बॉक्स में इतना ज़्यादा कचरा जैसा सोल्जर क्यों है। तभी जो लिन होता है उसको देखकर कहता है ये ओपन हो गया, तुम इसे अपनी पावर के साथ कर सकते हो। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो लिन होता है वो भी जाता है अपना प्राइज लेने के लिए और बोलता है मुझे कौन सा वाला चूज़ करना चाहिए, क्या फैमिलियर फीलिंग आ रही है मुझे यहाँ पर, मुझे अपने पास्ट लाइफ की याद आ रही है जब मैं लॉटरी गेम्स खेलने जाया करता था। और तो और एक सेस का सिस्टम नए मिशन को ट्रिगर कर देता है और मन में सोचते हुए बोलता है लिन इन बॉक्सेस को ओपन करना भी एक मिशन बन गया है और रिवॉर्ड को देखकर तो ऐसा लगता है जो सिस्टम है मुझे सिस्टम चाहता है कि मैं इन पर गुस्से मतलब वॉयलेंट तरीके से इस्तेमाल करूं। और जो सिस्टम उसे तीन ऑप्शन देता है, पहला ऑप्शन होता है अपनी लो प्रोफाइल बनाए रखो और बॉक्सेस को ओपन करो, चॉपस्टिक हार्डकोर के साथ ओपन करो बॉक्स को और अपने डिस्ट्रक्शन पावर से इस्तेमाल कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन ये है कि नए न्यू कमर की तरह प्रटेंड करो और किसी से हेल्प के लिए मदद मांगो बॉक्स को ओपन करने के लिए। तभी जो लिन होता है वो खुश होते हैं बोलता है ये सिर्फ एक ब्लाइंड बॉक्स को ओपन करने जैसा नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है, चलो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं और ट्राई करते हैं कितनी पावर। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो लिन होता है बस एक पंच मारता है और वो बॉक्स चूर चूर हो जाता है और उसका मिशन कम्प्लीट हो जाता है और उसे उसका रिवॉर्ड मिल जाता है। और जिसे देखकर तो उसकी क्लास और जो फैटी और जो एल्डर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और फैटी और बाकी क्लासमेट के तो मुंह खुला खुला रह जाता है। और फैटी लिन से बोलता है तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा ताकतवर और टैलेंटेड हो, तुम्हें तो अपना नाम बदल लेना चाहिए। और वो एक एक करके खोलना स्टार्ट कर देता है सारे के सारे बॉक्सेस और जो एल्डर होते हैं ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं तुम बॉक्सेस को इस तरीके से ओपन कैसे कर सकते हो, प्लीज़ ह्यूमन बींग की तरह व्यवहार करो। तभी जो लिन होता है वो उनसे बोलता है तुमने कहा था कि इन बॉक्सेस को ओपन करो पर तुमने ये तो नहीं कहा था कि इन बॉक्सेस को कैसे ओपन करना है, इसलिए मैंने अपने खाली हाथों से इनको इन बॉक्सेस को ब्लास्ट कर दिया, ये रीजनेबल नहीं है क्या, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं दोनों के दोनों फैटी और एल्डर। तभी जो लिन होता है अपना लगा ही हुआ था, बाकी सभी लोग देख रहे होते हैं लिन एक एक करके बस एक एक मुक्की में सारे के सारे बॉक्सेस को तोड़े जा रहा होता है। तभी जो एल्डर होते हैं वो लिन से कहते हैं वहीं पर रुक जाओ, सारे के सारे बॉक्सेस को ओपन मत करो। तभी जो बाकी के स्टूडेंट होते हैं वो बोल रहे होते हैं अब तुम किस तरीके का इंतजार कर रहे हो, जाओ और जल्दी से ले लो, हम लोग इसे ओपन नहीं कर सकते। और बाकी स्टूडेंट बोलते हैं अच्छा चलते हैं। तभी उसके जो क्लासमेट होते हैं लिन के वो भी बोलते चलो हम भी चलते हैं, हमें भी एक जेड ले लेना चाहिए। जो लड़की होते बोलते ये अच्छा आइडिया है, जो सूतंग होते बोलती है तुम दोनों तो वाकई में पूरी तरीके से यूजलेस हो। तभी जो एल्डर होते हैं वो लिन का हाथ पकड़ के बोलते हैं तुम इसे स्मैश मत करो मतलब तोड़ो मत, तुम मेरे साथ आओ सबसे पहले। जिसे देखकर जो लिन होता है एकदम कंफ्यूज होता है और बोलता है यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी जो एल्डर होते हैं वो लिन को एक अलग कमरे में ले आते हैं और लिन बोलता है वाह तुम बुढ़े आदमी, तुम्हें आखिर क्या ऐसा पड़ी कि तुम मुझे इस कमरे में लेकर आ गए। तभी जो एल्डर होते हैं वो बोलते हैं मैं क्या कर सकता हूँ इसके अलावा, तुम सारे के सारे बॉक्सेस को तोड़े जा रहे हो सोल्जर पाने के लिए बाहर, तो बाकी के जो स्टूडेंट हैं वो भला कैसे चुनेंगे। तभी जो एल्डर होता है वो लिन से बोलता है कि यहाँ पर कुछ रेयर सोल्जर पड़े हुए हैं जो मेरे कलेक्शन में है, तुम इनमें से देख लो अच्छे स्ट्रेंथ गुड स्ट्रेंथ वाले जो तुम्हारे कल्टिवेशन पिलर में हेल्प करे तो तुम्हारे टैलेंट को और अच्छा कर दे, कोई भी एक अच्छा चुन लो इनमें से। तभी जो लिन होता है बोलता है यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे पड़े हुए हैं, मुझे कौन सा चूज़ करना चाहिए। तभी जो होंगे होती है उसके माइंड में आवाज़ करके वो बोलती है लिन, ये सुनकर जो
लिन होता है वो मतलब सर पे होते बोलता है ये वॉइस तो होंगे की है, जो होंगे होती है वो उससे बोलती है, जो लेफ्ट साइड में पड़ा हुआ है जो रेड सोल जेड वो काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है, मतलब अच्छा है ये सोल जेड ब्लेजिंग कोस्ट का है और ये काफी ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए, और इसके अंदर थोड़ा छोटा छोटे मतलब कम अमाउंट में और भी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रेयर सोल जेड भी है। अगर तुम इसे इस्तेमाल करते हो तो तुम फ्लेम का इस्तेमाल कर सकते हो, तभी जो होंगे होती है वो उससे बोलती है, जबकि तुम्हारी बॉडी एस क्लास लेवल पर पहुंच चुकी है ऑलरेडी, लेकिन जो साइकिक एबिलिटी है वो फुल्ली डेवलप नहीं है तुम्हारी। ये तुम्हारा ऑरा इस्तेमाल करने का तरीका है, ये तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। तभी जो एल्डर होते हैं वो बोलते हैं तुम्हारी आंखें तो वाकई में बहुत ज्यादा नाइस है, ये सोल्जर लो ग्रेड में है लेकिन इसका जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। तभी जो एल्डर होते हैं वो मन में सोचते बोलते हैं, जैसा कि मैंने युवान के बच्चे से एक्सपेक्ट किया था, इसका विजन वाकई में बहुत ज्यादा यूनिक है। तभी जो सिस्टम है वो ट्रिगर हो जाता है और वो बोलता है जो होस्ट है उन्हें सोल जेड को डिटेक्ट किया है, क्या वो इसको एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। जिसे देखकर जो लेन होता है बहुत सरप्राइज होता है और बोलता है मुझे नहीं पता था कि सिस्टम के पास ये भी फंक्शन है। जबकि जो एल्डर है और जो होंगे है वो दोनों एग्री हो चुके हैं इस सोल जेड के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, और बोलता है मैं इसे एब्जॉर्ब करूंगा और वहीं खड़े होकर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। और मन में सोचते एलन बोलता है जो रेड थीफ है मतलब जो होंगे है उसकी आंखें वाकई में बहुत अच्छी हैं, उसने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा खजाना प्रोवाइड करवाया है और मुझे एक अच्छी स्किल मिल गई है। और इसे देखकर जो एल्डर होते हैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो बोलते हैं ये बच्चा डायरेक्टली सोल जेड को एब्जॉर्ब कर सकता है, वाह ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा औसम है। और तभी जो लिन होता है मन में सोचते है बोलता है इस सोल जेड की फायर एलिमेंट की पावर के साथ तो मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा, इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि मेरा जो लेफ्ट आर्म है उसकी पावर जागने वाली है। अभी मन में सोचते है बोलता है रुको रुको आखिरकार इस सागे की पावर के साथ क्या है, मेरी सागे की पावर ऑलरेडी इवॉल्व हो चुकी है इसका मतलब। तभी जो सिस्टम होता है वो बोलता है तुम्हारी सागे की पावर को इवॉल्व कर दिया गया है। अभी जो हलेन होता है मन में सोचते है बोलता है क्या ये इवोल्यूशनरी पावर, और बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और उसके दोनों पहले एक ही हाथ में पावर थी अब दोनों हाथ में पावर है और बोलता है ये तो वाकई बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा, ये पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।